क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे फ्री फायर के यूट्यूबर मुजरा और कंट्रोवर्सी की जगह अगर ईस्पोर्ट्स और भाई गेमिंग स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देते तो हमारी गेमिंग कम्युनिटी कितनी आगे चली जाती और क्या ही तो प्लेयर निकलते हमारी गेमिंग कम्युनिटी से। लेकिन नहीं भाई, इनको तो भाई बस मुजरा करना है और भाई कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ना है। इसीलिए ही तो हमारी इस कम्युनिटी को भाई माया की नगरी कहा जाता है। और भाई इस नगरी में बहुत सारे विचित्र विचित्र प्रकार के माया भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये सलवार के अंदर तलवार, रैंक मैच के अंदर गर्ल आ गई, रैंक विद गर्ल, अरे भाई ये तो टोंडे भाई हैं भाई। ये भी पीछे नहीं हटने वाले भाई, नेपाल से पूरा टॉप पे रहने वाले हैं। चलो छोड़ो टोंडे भाई, तो फिलहाल अभी ग्रैंड पुश वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन भाई बाकियों का क्या? बाकी तो भाई अपनी विचित्र शक्तियाँ छोड़ने को तैयार ही नहीं है, हम तो चूतिए हैं। चलो इसी के साथ मैं आपको एक राज का बात भी बता देता हूँ। अगर आपको भाई एक गेमिंग क्रिएटर बनना है तो आपको क्या चाहिए? अच्छी गेमिंग स्किल या अच्छा कंटेंट या कंसिस्टेंसी? अरे नहीं भाई, ये सब थोड़ी ना मैटर करता है। मैटर तो करता है भाई, 2 किलो मेकअप, 150 रिंग लाइट और भाई हजारों फिल्टर, और ये सब यूज करने के बावजूद भी आपको क्या होना पड़ेगा? एक लड़की। अगर आप भाई एक लड़की नहीं हो तो भाई आप लड़की बन सकते हो भाई, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पर भाई आजकल लौंडे बन के घूम रहे हैं, और भाई फिर आप बन गए एक अच्छे से फ्री फायर के कंटेंट क्रिएटर। इसके बाद भाई आप प्रैंक वीडियो बनाओ, चाहे भाई प्री रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीम करो। अरे हाँ भाई, इसको कैसे भूल गए भाई, प्री रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीम। आजकल के विचित्र क्रिएटर भाई जो कि फ्री फायर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो भाई अपनी विचित्र शक्तियों के अलावा यूट्यूब के भी भाई विचित्र शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं अपने भाई गेमिंग चैनल को ग्रो करने के लिए, जिसका की नाम है भाई प्री रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीम। इसमें होता क्या है, वो लोग भाई पहले से ही गेमिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको भाई लाइव स्ट्रीम पे चला देते हैं, जो कि भाई 2 बार 3 बार 4 बार 1000 बार भाई चलते ही रहता है। और भाई बंदे उसको देखते ही रहते हैं, जिससे भाई उनका भाई वॉच टाइम वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, और ऊपर से भाई डॉलर भी बन जाते हैं उनके भाई। लेकिन हमको क्या लेना देना, हमको तो बस भाई ऐसे ही देखना है बिना किसी रिसर्च वगैरह के। लेकिन गाइस यहीं पर अगर मैं निकल जाता हूं भाई किसी का लाइव स्ट्रीम देखने के लिए, तो भाई मेरे को तो भाई लाइव कम भाई फैशन शो ज्यादा लगता है, क्योंकि भाई वहां पर भाई जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं ज्यादातर तो उसमें लड़कियां ही होती हैं, और जो भी लड़कियां होती है तो मेरे को भाई ऐसा नहीं लगता कि वो भाई गेमिंग करने आती हैं, ऐसा लगता है कि भाई वो फैशन शो पे आई हैं। क्योंकि भाई जो मैंने आपको यूट्यूबर बनने के लिए जो भी क्राइटेरिया बताया कि आपको 150 फिल्टर लगाने पड़ेंगे, 500 लिंग लाइट यूज करने पड़ेंगे, भाई वो सब वो यूज कर रहे होते हैं, और भाई वो गेमिंग का चैनल कम और भाई फैशन शो ज्यादा ही लगता है। लेकिन भाई मेरा क्या, मैं तो दिल पे पत्थर रख के भाई देख दे गया और भाई मेरे को एक विचित्र प्राणी मिल गया, जो कि ये है। इसको आप भाई पायल गेमिंग का भाई चौथा या पांचवा कॉपी भी बोल सकते हो, जो कि हमारी फ्री फायर कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और इसका नाम है भाई पीएन रोज। और भाई कंटेंट तो इसके भाई खून में बहता है, और गेमिंग स्किल तो इसके चलो छोड़ो भाई नहीं बोलूंगा तो भाई विवाद हो जाएगा, और भाई आप भी बोलोगे कि क्या ही बोल रहा है। चलो छोड़ो, आगे बात करते हैं इसके। और हाँ गाइस, एक चीज तो आपको बताना मैं भूल ही गया भाई, ये अकेली गंगा में हाथ थोड़ी ना धोती है, इसके साथ एक और लौंडा है जो कि भाई बहती गंगा में हाथ धोता है और प्री रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीम करते हैं, और भाई विचित्र विचित्र प्रकार के भाई कंटेंट बनाते हैं, जिनको कि भाई आप निब्बा निब्बी का कंटेंट भी कह सकते हो। और ये दोनों ने मिलके भाई पिछले भाई 2 सालों में इतना भाई फ्री फायर कम्युनिटी को गंदा कर दिया है कि भाई जितना कि भाई एक सुअर नाले से निकलकर साफ सुथरी सड़क को नहीं करता, उससे भी ज्यादा इन लोगों ने भाई फ्री फायर कम्युनिटी को गंदा किया है। और बात करते हैं कि इनकी जनता की, तो भाई इस लड़की की जनता है भाई 5 मिलियन की, और भाई मैं सोच के हैरान हूँ कि भाई ये 5 मिलियन बंदे भाई क्या सोच के इसको सब्सक्राइब करते हैं भाई, ना ही इसके पास कोई गेम प्ले है और ना ही इसके पास कोई गेमिंग स्किल है, तो भाई ये फ्री फायर के वीडियो क्यों देखते हैं इसके भाई। लेकिन भाई मेरे को पता चल गया कुछ रिसर्च करने के बाद, यहाँ पर सब लोग करने क्या जाते हैं, आप यहीं से अंदाजा लगा लो भाई, जो बंदे पायल गेमिंग की वीडियो देखने जाते हैं और जिस कारण से देखने जाते हैं, वही बंदे भाई इसकी वीडियो देखने आते हैं और उसी कारण से आते हैं, और भाई दोनों का भाई सब्सक्राइबर बेस भी भाई थोड़ा बहुत सेम भी लगता है मेरे को। तो गाइज मेन कारण तो यही हो गया जो मैंने आपको बता दिया, और भाई समझने वाला समझ गया, और भाई जिसको नहीं समझ में आया तो वो भाई कमेंट में जाके भाई एक दूसरे को समझा दो, और ऐसे
ऐसा नहीं है कि भाई ये अकेली एक है जो कि भाई फ्री फायर कम्युनिटी को गंदा कर रही है। भाई इसके साथ बहुत सारे भाई स्ट्रीमर्स हैं जो कि हमारे फ्री फायर के कम्युनिटी को गंदा कर रहे हैं, और उनमें भाई बहुत सारे मेल्स भी हैं और बहुत सारे फीमेल्स भी हैं। अगर भाई मेरे पास 1 लाख से ज्यादा भाई ऑडियंस होती तो भाई मैं इन लोगों को भाई रुला देता, लेकिन भाई क्या करूं भाई, मेरे भी ऑडियंस बेस बहुत ही कमजोर है। लेकिन भाई क्या कर सकता हूं, मैं भी वीडियो बहुत बनाऊंगा थोड़ा बहुत जो भी हो सके मेरे से, और भाई अपने बेस को भाई थोड़ा बड़ा करेंगे और उसके बाद इन लोग की वाट लगाएंगे। और हां गाइस, कुछ बंदे तो आकर अभी कमेंट में भाई ज्ञान देंगे कि भाई तू भाई कैसा क्यों कर रहा है और उसको ऐसा क्यों बोल रहा है और भाई तेरा तरीका कुछ ऐसा है वैसा है। भाई मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, भाई पहले आप लोग से स्काई परेशान था और अब आप लोग आकर मेरे को परेशान करोगे, तो भाई एक बात बता देता हूं कि भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे स्काई को नहीं पड़ता था वैसे मेरे को भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। और गाइस ऐसे ही और वीडियो हमारे चैनल पे अब आने वाली है, सो सब्सक्राइब जरूर से कर लो और वीडियो को लाइक जरूर से कर दो। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, सो बाय बाय गाइस।